जल संवर्धन अभियान तेजी से चल रहा है, इसमें मंत्री राकेश सिंह जोर शोर से काम कर रहे हैं। मानसून से पहले मध्य प्रदेश में सड़कों को लेकर किस तरह की तैयारी है, ऐसे तमाम बड़े मुद्दों पर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह से बात की है मध्य प्रदेश के न्यूज एडिटर सुधीर दीक्षित ने। मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान चल रहा है और जोरों शोरों से यह अभियान चल रहा है, और इसी अभियान के एक ऐसे सारथी हैं जो लंबे समय से जल स्रोतों को लेकर काम कर रहे हैं, जबलपुर के पूर्व सांसद और मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमने अभी बात की थी जल संरक्षण को लेकर जो योजनाएं चल रही हैं, बहुत लंबे समय से आप इस पर काम कर रहे हैं, कैसे यात्रा ये शुरू हुई? ये ठीक है कि मैं काफ़ी अरसे से, लगभग 2009 से पानी को लेकर, पानी के संरक्षण को लेकर अपनी तरफ से छोटे मोटे प्रयास करता रहता हूँ। इसकी शुरुआत हुई थी मेरा जो ननिहाल है बुंदेलखंड का है, मेरी मौसी का गांव भी है, रहली के पास एक पाटई गांव है। बचपन में हम लोग जाते थे तो वहाँ एक पनिया कुआं कहते थे, वो कुआं पूरा गांव उससे पानी लिया करता था और नहाते भी वहीं थे, उसका पानी बड़ा मीठा था। बहुत लंबे समय के बाद मैं सांसद जब बन गया और उसके बाद एक बार मेरा उस गांव में जाना हुआ, लगभग 2007 या 8 में। तो मैं जब गांव पर गया, घर के सामने पहुंचा, बाखर है, तो वहां सामने मैंने एक हैंडपम्प देखा। तो मैंने पूछा, ये घर के सामने हैंडपम्प? तो जो मेरे कज़िन थे, मौसी के लड़के थे, उन्होंने बड़े गर्व से बताया कि हमारे गाँव में 35 हैंडपम्प हैं। जैसे ही उन्होंने कहा कि 35 हैंडपम्प हैं, मुझे फौरन लगा कि पनिया कुआं का क्या हुआ। तो मैंने पूछा कि पनिया कुआं? तो उन्होंने तत्काल बिना देर किए कहा कि वो तो सूख गया, बुंदेलखंडी में कहा वो तो सूख गया। मुझे बेहद आश्चर्य इस बात का हुआ कि जब वो ये कह रहे थे, या गांव के लोग जो सारे मुझसे मिलने आए थे, वो खड़े थे, उनमें से किसी के भी चेहरे पर पनिया कुएं के सूखने को लेकर कोई चिंता नहीं थी, जबकि पूरे गांव को एक समय वो पानी मुहैया कराता था। मुझे लगता है शायद 100 साल से वो पानी पूरे गांव को दे रहा होगा वो। और मुझे फिर, मेरा बाकी किसी चीज़ों में बहुत मन नहीं लगा, और मुझे लगा कि इतनी बड़ी बात है ये और लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ इस पर करना चाहिए। और फिर उसके बाद लौट कर आकर मैंने एक योजना बनाई, जल रक्षा यात्रा करके एक कार्यक्रम तय किया, और मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में 19 दिन का वो कार्यक्रम बनाया। वो कार्यक्रम तेज जब गर्मी थी, यानी नौतपा का समय था, उस समय पे दोपहर 11-12 बजे माँ नर्मदा जी का एक पवित्र जल एक कलश में लेके, एक रथ बनाया था उसमें लेकर हम रोज चला करते थे, और अलग अलग स्थानों पे हर दिन 18 किलोमीटर से 25 किलोमीटर के बीच की यात्रा तय करते थे। जहाँ समापन होता था वहाँ किसी पुराने सरोवर में, किसी पुराने कुएं में, किसी पुरानी बावड़ी में, जिसका उपयोग बंद हो गया है, पूरा गाँव इकट्ठा होता था और हम उस सरोवर में उस माँ नर्मदा जी के जल को अर्पित करके ये कहते थे कि अब ये पवित्र हो गया है, इसलिए अब इसके जीर्णोद्धार का काम हम सबको करना चाहिए। ऐसी 19 दिन की हमने वो यात्रा की थी। समापन उसका था जबलपुर में, शहर में ग्वारी घाट यानी माँ नर्मदा जी के तट से लेकर और हनुमान ताल तक लगभग 18 किलोमीटर की यात्रा थी। आप आश्चर्य करेंगे, इतनी भीषण गर्मी में नौतपा के समय पानी जैसे विषय पे जबलपुर की सड़कों पर लगभग 20,000 लोग उस यात्रा में चल रहे थे। हमने अभी जल की बात की, चूंकि मानसून आने वाला है, थोड़ी सी सड़कों की बात भी कर लेते हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है, सड़कों के मेंटेनेंस को लेकर क्या योजना या सरकार क्या प्लानिंग कर रही है, खासतौर पर बारिश के मौसम से पहले? बारिश के पहले चूँकि आचार संहिता थी तो इसलिए कुछ बड़ी पहल तो नहीं हो सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा के उपरांत निर्देश जारी किए थे कि जो जो भी प्रारंभिक तैयारियां हैं वो सारी की सारी हमको करना चाहिए। और अभी हम लोगों ने तय किया, एक ऐप लगभग तैयार हो चुका है, पॉट होल रिपेयरिंग ऐप के नाम से वो ऐप है, जिसमें जहां भी कहीं सड़क पर किसी को कोई गड्ढा देखेगा पीडब्ल्यूडी की सड़क पर, वो उसको जियो टैग फोटो के साथ में उस ऐप में डाल देगा, और उसके बाद संबंधित अधिकारी उस फोटो को देखने के बाद उस स्थान पर उस गड्ढे को रिपेयर करके फिर उसकी फ़ोटो वापस डालेगा। तो एक तरीके से जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, जनता और विभाग के बीच में समन्वय बढ़ेगा, और मैंने तय किया इस विभाग की जो टैग लाइन तय की है
वो है लोक निर्माण से लोक कल्याण, और उसी दिशा में विभाग आगे बढ़े। सड़कों को लेकर बहुत सारी योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर मॉनिटरिंग भी करते हैं और उसके लिए पर्याप्त सहयोग भी देते हैं। इधर सीएम ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की, अधिकारियों को निर्देश दिए एम्बुलेंस सेवा बेहतर की जाए, जिला अस्पतालों में डॉक्टर्स की मौजूदगी रहे। दरअसल विष्णुदेव साय आज स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा कर रहे थे। आयुष्मान कार्ड बनाने में तेजी लाने के निर्देश उन्होंने दिए। खास बात, सर्पदंश के मरीजों के लिए एंटी वेनम की उपलब्धता अस्पतालों में रहे, ये भी उन्होंने कहा है। लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाले सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल का विजय जुलूस रायपुर में निकला। जुलूस की शुरुआत मां बंजारी मंदिर रामाभाटा बिरगांव से हुई। इस विजय जुलूस में ब्रजमोहन के साथ ही पूर्व सांसद सुनील सोनी, विधायक राजेश मूणत शामिल हुए। आपको बता दें, रायपुर लोकसभा सीट से ब्रजमोहन अग्रवाल 575,285 वोटों से जीते हैं और टॉप 10 जो विनिंग्स हैं उसमें उनका नाम है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जीत के साथ ब्रजमोहन अग्रवाल का भव्य स्वागत जो है रायपुर में हो रहा है। ऐतिहासिक जीत है और जनता भी उत्साहित नजर आ रही है। ब्रजमोहन जी, सबसे बड़ी जीत न सिर्फ छत्तीसगढ़ की बल्कि देश की जनता का उत्साह एक तरीके से देखने को मिल रहा है। आभार रैली में आपका स्वागत कर रहे हैं। देखिए, जनता का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद, अपनापन, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और पिछले ये 9वां चुनाव जनता ने जिताया है और उस जनता के प्रति मैं आभार व्यक्त करने के लिए, उनके ऋण को तो कभी मैं चुका नहीं सकता परंतु उनका आभार व्यक्त कर सकता हूँ। और उसके लिए मैं आज रायपुर की सड़कों पर निकला हूँ और रायपुर की जनता को का आशीर्वाद ले रहा हूँ और उनको सबको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने विधानसभा चुनाव में भी रिकॉर्ड बनाया और लोकसभा चुनाव में भी देश के टॉप 10 सीटों में रायपुर को लाया है और आपने मेरा जो मान सम्मान बढ़ाया है उसके लिए मैं रायपुर शहर की जनता के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी बिल्कुल, न सिर्फ भाजपा के NDA की भी ऐतिहासिक जीत रही और आप शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं, उन्होंने सबका स्वागत किया। क्या नरेंद्र मोदी जी से क्या कहा आपने जब मुलाकात हुई? नरेंद्र मोदी जी को पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से हमने बधाई दी, उनका अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया और छत्तीसगढ़ के सभी सांसदों से उनका परिचय करवाया। ब्रजमोहन जी, अब आपके रोल पर चर्चा हो रही है कि आप मंत्री बने रहेंगे या सांसद रहेंगे? वो तो पार्टी तय करेगी और नियम तय करेंगे और उसके अनुसार, नियमों के अनुसार जो करना होगा वो हम करेंगे। जी बिल्कुल, ये ब्रजमोहन अग्रवाल जी हैं जिन्होंने कहा कि अब उनका जो रोल रहेगा वो पार्टी तय करेगी कि वो सांसद बने रहेंगे या मंत्री बने रहेंगे। फिलहाल जनता उनका स्वागत कर रही है, पूरा भव्य स्वागत जो है वो प्रदेश में ब्रजमोहन अग्रवाल जी का हो रहा है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ आकाश शुक्ला, News 18 रायपुर छत्तीसगढ़। इधर केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह का बयान आया है कि समय पर किसानों को उपलब्ध करवाए जाएं बीज और डिमांड के अनुसार ही बीज की उपलब्धता होगी, डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। कई राज्यों में आ चुका है, कई जगह आने वाला है, मानसून सामान्य रहने की संभावना है, सरप्लस ही थोड़े बहुत जो अभी तक मौसम विज्ञानी बता रहे हैं तो वर्षा लगभग पर्याप्त होगी, लेकिन खाद, बीज और पेस्टिसाइड उसकी उपलब्धता मस्त है, अच्छे बीज किसान को समय पर उपलब्ध हो जाए। कुल मिला के जितने पक्ष हैं वो हमारे सामने हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप सबसे पहले खाद की उपलब्धता उसका विवरण देंगे, बीज की उपलब्धता और उससे संबंधित जितने भी पहलू है ताकि समय पर बोनी हो सके, गुणवत्ता युक्त बीज मिल सके, खाद समय पर मिल सके, बोनी ठीक होगी तो उत्पादन ठीक होगा।